ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आगामी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की विशेष बातचीत। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टो अंगनी। योग के ये आठों अंग तन को निरोगी और चित्त को स्वस्थ रखते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत से योग की अपनी इस धरोहर को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया उसे अब 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योग दिवस की लोकप्रियता का प्रमाण 100 दिन 100 शहर और 100 संगठन अभियान की सफलता में दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन और उससे जुड़े मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आयुष मंत्रालय में सचिव श्री राजेश कोटेचा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि योग दिवस को लेकर उत्साह निरंतर बढ़ रहा है, आयुष मंत्रालय हमेशा की तरह इस बार भी क्या कुछ विशेष करने जा रहा है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। आयुष मंत्रालय तो सिर्फ नोडल एजेंसी है, लेकिन ये जन जन का कार्यक्रम हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रयत्न से, उनकी प्रेरणा से इसने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। इसके अंदर भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकारें, सभी योग संस्थाएं और सभी लोग जी। सभी ग्राम पंचायतों से लेकर के सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एज ए नोडल मिनिस्ट्री हम बहुत सारे इनोवेटिव काम करते हैं और उसमें मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे इस वर्ष हमने एक आर्कटिक टू एंटार्कटिका ऐसा करके कार्यक्रम किया है, तो इसमें विजुअलाइजेशन है कि आर्कटिक में हमारे जो मिशन है या एंटार्कटिका में हमारे मिशन, हमारे वहां साइंटिफिक मिशन काम करते हैं, तो आर्कटिक में हमारा हिमाद्री मिशन काम करता है, एंटार्कटिक में हमारा भारतीय मिशन काम करता है और उनके साथ वहां दूसरे देशों के भी वैज्ञानिक लोग काम करते हैं। तो वहां पर 21 जून को कार्यक्रम करेंगे और इस जो मेरिडियन लाइन है आर्कटिक टू एंटार्कटिक उसमें 42 देश आते हैं, तो 42 देशों में भी उसी समय योग हो ऐसा एक हम प्रयत्न करें। इट्स वेरी इनोवेटिव। और आपको ये जानकारी होगी कि खास करके एंटार्कटिका में अभी 6 महीने की रात्रि चलती है, तो 6 महीने की रात्रि में एक छोटा सा 10 मिनट का विंडो मिलता है जिसमें थोड़ा सा उजाला होता है, उस समय वो करेंगे और उस समय आसपास के मिशन के लोग भी आएंगे, तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। आपने ही कहा कि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग मात्र आसन नहीं है, योग मात्र शारीरिक क्रिया नहीं है, लेकिन योग एक प्रकार से एक व्यक्ति के लिए संपूर्ण सोल्यूशन है। और उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इस प्रकार से लेने का जो महत्व कारण यह है कि एक कॉन्शियस एफर्ट के रूप में तो लोग योग के अपने जीवन में लेके आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक निमित्त है कि उस दिन सब लोग मिलकर के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और एक सेंसिटाइजेशन हो, तो आर्कटिक टू एंटार्कटिक एक कार्यक्रम है। दूसरा एक ग्लोबल रिंग करके हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें भारतीय नेवी, इंडियन नेवी अपने शिप्स जो है वो 9 देशों में 9 जगह पर रहेंगे और वहां उन पोर्ट्स पर योग करेंगे। ऐसे अपने मिशन्स के माध्यम से हमारे जो मित्र देश है बहुत सारे पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पर भी हम कार्यक्रम करेंगे। कुल मिलाकर दुनिया भर में जहां जहां भी पोर्ट्स है, या तो अपने नेवी की प्रेजेंस या तो अपने मित्र देशों के वहां, तो ऐसे बहुत बड़े एक ग्लोबल रिंग के रूप में हम कर रहे हैं। एक भारतमाला योग हम कर रहे हैं इस बार। भारतमाला योग में हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, सीएएफ सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, तो उनके जहां जहां पोस्ट है, इवन इसमें एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक प्रकार से भारत के सभी कोनों में एक साथ वो योग करेंगे भारतमाला के रूप में, वो एक विशेष इनोवेटिव कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग इनोवेटिव कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्य बात क्या है कि लास्ट माइल तक एवरीबडी शुड बी पार्टिसिपेटिंग, तो हम ग्राम पंचायतों में पहुंच रहे हैं, ग्राम प्रधानों तक प्रत्येक वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र जाता है। हमने क्या किया है कि आयुष मंत्रालय ने एक रिसोर्स तैयार किया है, वन स्टॉप रिसोर्स, कि आप योग प्रोटोकॉल का आपको चाहिए वीडियो, तो वीडियो रिसोर्स हमारे पास 16 भाषाओं में अवेलेबल है, तो वो एक जगह पर हमने उसकी पूरी रिसोर्स एक लिस्ट बनाई है और इट इज शेयर्ड विथ एवरीबडी, की ओपन है, हमारी वेबसाइट पर भी है, लोग वहां जाकर के इसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करके बड़े स्तर पर हम इस पर सोच रहे हैं कि मतलब हमारा जो अनुमान है कि 25 करोड़ से ज्यादा, 25 से 30 करोड़ लोग इसको पार्टिसिपेट करेंगे इस वर्ष से। इस वर्ष जो भारत की अध्यक्षता में G20 के विषय पर जैसे एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी वैश्विक समुदाय से बड़े स्तर पर जुड़ने का प्रयास है, तो योग दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है और आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसका क्या महत्व है?
इस वर्ष के जो योग दिवस की थीम है उसको भी योग फॉर वसुदेव कुटुम्बकम है, तो ये इट इज अलाइन विथ अवर G20 प्रेसिडेंसी। हम लोगों का भी जो G20 प्रेसिडेंसी का थीम है वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन हेल्थ वन नेचर। तो आप इस सूत्र पर जाइए, वसुदेव कुटुम्बकम इज वसुधा मीन्स माता पृथ्वी, तो वसुधा ही पृथ्वी माता के लिए कहा गया है। उस पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग एक कुटुम्ब है, एज ए वन फैमिली। तो इसके साथ हम जब योग को जोड़ते हैं तो योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी जोड़ना है, योग मीन्स विच यूनाइट्स। तो आप देखेंगे कि G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत वसुधैव कुटुम्बकम से अच्छा कोई थीम नहीं हो सकता था, क्योंकि ये एक सस्टेनेबिलिटी का मैसेज भी देते हैं। मिशन लाइफ, जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हम जो अभी भारत सरकार की तरफ से, मैंने प्रधानमंत्री जी ने इसको एक प्रकार से विजन दिया है, तो आप देखिएगा कि ये जो वसुधैव कुटुम्बकम योग वसुधैव कुटुम्बकम के लिए, तो इसको हम इस प्रकार से मैसेजिंग में उपयोग कर रहे हैं और इसकी इस बार की थीम को हम दुनिया भर में इसका प्रसार कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने नमस्ते मोबाइल ऐप और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योग ऐप भी विकसित किया है, तो इस डिजिटल युग में योग को लोकप्रिय बनाने में ये ऐप किस तरह से सहायक सिद्ध हो रहे हैं? देखिए, हमने नमस्ते योग ऐप जो है वो एक प्रकार से एक नेटवर्किंग ऐप है कि जैसे मैं एज ए व्यक्ति इंडिविजुअल यदि मेरे को योग करना है तो मैं देखूंगा आसपास में कौन प्रोवाइडर है, तो नमस्ते योग इज ए फेसिलिटेटर कि आप उसमें यह पता कर सकते हैं कि आपके आसपास में कोई योग प्रशिक्षक है, कोई योग संस्था है, कोई योगाचार्य वहां पर आप लोग उपलब्ध है क्या, ऐसे योग संस्थाएं भी उसमें अपने आपको रजिस्टर कर सकती है एज ए प्रोवाइडर। तो इज ए नेटवर्किंग एप्लीकेशन विच इज वेरी यूजफुल और इसको लोग बहुत लाभ लेते हैं। एम योग एप्लीकेशन वो WHO के लिए हमने तैयार किया, WHO का एक डिजिटल हेल्थ उनका प्रोग्राम है, तो डिजिटल हेल्थ के इनिशिएटिव में हमने भारत सरकार ने अपनी ओर से उनको ये एप्लीकेशन बना के दी है, एम योगा एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन थेरापूटिक हेल्थ के लिए, मेरे को स्वस्थ रहना है तो मैं क्या करूं, मैं यदि डायबिटिक है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को हाइपरटेंशन, मेरे को कौन सा योग करना चाहिए, इसके लिए हमने ये योग एप्लीकेशन बना के दिया, एम योगा एप्लीकेशन, और वो WHO के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और सभी मेंबर कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, हम लोग सतत व्यस्त रहते हैं और दिन भर काम करते हैं, और भारतीय लोग तो इस प्रकार से लंबे घंटों तक काम करने के लिए जान जाते हैं, वी आर हार्ड वर्किंग पीपल। तो हमें साथ में स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए। ये आइडियल है कि हम लोग रोज योगाभ्यास करें और योगाभ्यास के लिए समय निकालें, लेकिन बहुत सारे लोग उसके लिए भी समय नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए हमने एक सोल्यूशन प्रपोज किया है, वो वाइब्रेक एप्लीकेशन है। तो उसमें हमारे पास 5 मिनट का योग, ऑफिस में रहते हुए यू कैन डू दिस 5 मिनट्स योग, तो उसके 2 वर्जन है। एक वर्जन तो वाइब्रेक एट चेयर, कुर्सी पर बैठे बैठे मैं योग कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ, कुर्सी पर बैठे बैठे प्राणायाम कर सकता हूँ, गर्दन की कसरतें कर सकता हूँ, उसका हमने मॉड्यूल दिया है वीडियो के साथ। वो वाइब्रेक एट ऑफिस, वो साथ में थोड़ा खड़े भी रह सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर ही, अपनी जगह पर ही। तो उसके ऊपर बहुत सारे शोध हुए हैं और उसके परिणाम जो आए हुए कि इतना भी करने से स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत लाभ मिलता है। तो ये वाइब्रेक एप्लीकेशन को न केवल सरकारी संस्थाओं ने हाथोंहाथ लिया है, बहुत सारे कॉरपोरेट ने इसको हाथोंहाथ लिया है, बिकॉज लंबे वर्किंग आवर्स में एक प्रकार से वरदान है कि यदि हम 5 मिनट का योग कर लें, वाइब्रेक, इसका नाम ही दिया योगा ब्रेक वाइब्रेक, तो मिलेनियल पॉपुलेशन को अपीलिंग भी है, जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको लगता है बहुत अच्छा है, तो दे आर हाईली इंटरेस्टेड। योग को यूथ से कनेक्ट। सामान्य योगाभ्यास के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग स्वयंसेवी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम क्या है और इससे योग के प्रति लोगों में उत्साह कितना बढ़ा है? देखिए, ये जो आपने कहा उसको हम कॉमन योग प्रोटोकॉल कहते हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल 3 प्रकार के हैं, 25 मिनट का भी है, 35 मिनट का भी, 45 मिनट का भी है, और ये ऐसा सभी योग संस्थाओं ने, योगाचार्यों ने मिलकर के इसको डिवाइस किया है। तो ये किसी एक योग स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये लार्जर योग को रिप्रेजेंट करता है, और उसका हेतु ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से यदि 45 मिनट का योग हम यदि हम डिसिमिनेट करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो लोग अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तो उनका सर्वांगीण होलिस्टिक हेल्थ जिसको कहते हैं ना, स्वास्थ्य को उनको प्राप्ति होगी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, तो उसके बहुत सारे प्रमाण आए हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि बहुत एक वॉलंटियर, योग वॉलंटियर्स के काम ने प्रकल्प चलाया कि हमारे पास योग सर्टिफिकेशन बोर्ड है, योग प्रोफेशनल्स को सर्टिफाई करने के लिए, तो ऐसे ही वॉलंटियर्स को हम सर्टिफिकेट भी देते हैं एज एन एनकरेजमेंट कि भाई आप योग वॉलंटियर हो, और अलग अलग योग संस्थाओं को हम प्रमाणित करते हैं कि वो योग के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त संस्था है। ऐसे 71 से ज्यादा हमने योग इंस्टीट्यूशंस को ऐसे एक्रेडिटेशन दिया है। तो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड लार्जली इसीलिए हमने प्रस्तापित किया था कि योग के क्षेत्र में स्टैंडर्ड्स आए, एक्रेडिटेशन आए,
और लोग जो योग सीखें वो एक प्रकार से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो ताकि लोगों को नुकसान न हो और वो लोग सही योग करें, इसलिए इसको हमने लेके आए। और जैसे हम देख रहे हैं कि योग का जो वैश्विक बाजार है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में ये 80 अरब डॉलर था जिसके 2025 तक 216 अरब डॉलर तक पहुंचने की आशा है। तो योग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, योग स्टार्टअप बहुत सारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि आप योग के एक्सेसरीज के बारे में, योग की एक्सेसरीज भी बहुत सारी आ गई, योग का ड्रेस भी हो गया, उसकी मैट भी हो गई। हम सस्टेनेबल योग मैट को प्रपोज कर रहे हैं, तो ट्राइब्स इंडिया के साथ मिलकर के हम बहुत सारे नए नए तरीके की योग मैट्स हमने बनवाई है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ मिलकर के बहुत नई नई तरीके की योग मैट्स बनवाई है। तो जो सस्टेनेबल हो ऐसे योग की एक्सेसरीज के लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं। एक स्टार्टअप ये आया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हो, जो योग की सेवाएं, योग का प्रशिक्षण दे सके लोगों को, ऐसे भी स्टार्टअप्स आए हैं। इनका हमारे पास इंक्यूबेशन होता है, उनके इंक्यूबेशन के हमारे पास, हमारी संस्थाओं के पास, हमारे जो राष्ट्रीय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट से वहां इंक्यूबेशन सेंटर भी है, तो उनको हम उनको इंक्यूबेट भी करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अपना जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसमें एक आयुष का वर्टिकल अभी इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए, ISO स्टैंडर्ड्स के लिए अभी शुरू हुआ है। उसमें योग के ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, योगासन है, योग की एक्सेसरीज है, उसके इंडियन स्टैंडर्ड्स सब नोटिफाई बहुत सारे हो गए, दूसरे होने जा रहे हैं। हेतु क्या है कि हम इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं, बाद में इसको ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाते हैं, तो योग के अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स हमारे सामने आएंगे। सो देर इज सम स्टैंडर्ड अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर योगासन और पर्टिकुलर योग प्रोसीजर। तो वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि योग के क्षेत्र में प्रमाणीकरण भी हो और इसको हम स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ भी लेके जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना जो हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसमें क्या है कि हील इन इंडिया मतलब आप हमारे देश में आइए और हील हुई आप स्वास्थ्य प्राप्ति करें। तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल का पूरा सेक्टर है, वो इतना जबरदस्त है, उसकी इतनी सारी डिमांड है, दुनिया भर से हजारों लोग योग के लिए भारत में आते हैं, या तो सीखने आते हैं, योग करने आते हैं, या योगाचार्यों के पास स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए आते हैं। ऐसे ही हमारे देश के बहुत सारे योगाचार्य विदेश में जाते हैं पढ़ाने के लिए, योग पढ़ाने के लिए। इसमें मजे की बात यह है कि हमारे देश का जो योग प्रशिक्षक है उसको लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ये भारत से आया हुआ है तो इनको योग आता होगा, वो जो बताते हैं वो प्रमाण है। दूसरा कोई प्रशिक्षक अच्छा भी होगा लेकिन भारत का होगा तो उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो फॉर अस इट्स एन एडवांटेजियस पोजिशन, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए फॉर द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड आवर पीपल। हम क्या करते हैं, हिल बाय इंडिया के इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे जो योगाचार्य उनको बाहर भेजने के लिए सभी देशों के लिए हम प्रपोज करते हैं। वो कुछ देशों के साथ तो हमारे कंट्री टू कंट्री डायलॉग में भी इसको उस पर चर्चा हुई है। तो उदाहरण देना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट इज कि हमारे जो भारत के योगाचार्य है उनको ऑस्ट्रेलिया में जाकर योग सिखाने के लिए वर्क वीजा का प्रोविजन है उसमें। तो इस प्रकार के नए नए काम भी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि योग को आगे बढ़ाने के लिए जो ग्लोबल एफर्ट्स है उसके अंदर ये स्टार्टअप के साथ साथ उसको इकोनॉमी को कैपिटलाइज करने का काम भी है, क्योंकि हमारा योग ये भारत का कल्चर हेरिटेज है एज पर यूनेस्को एक्नोलेजमेंट। हमारा कल्चर हेरिटेज है तो उसका लाभ हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी। सेक्टर इतना तेजी से ग्रो, आप ही ने बताया तो, और वो ऐसे बहुत सारे स्टडीज है कि योग की जो गति है वो 25% से ज्यादा प्रति वर्ष की गति से बढ़ रहा है। तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा और आयुष मंत्रालय उसके लिए बहुत बहुत जबरदस्त एफर्ट कर रहा है। कई अभिनव पहल आपने अभी उनका जिक्र किया, इसके अलावा अमृत काल जो चल रहा है उसमें और क्या नए नए प्रयास किए जा रहे हैं? तो हमने खेल मंत्रालय के साथ मिलकर के भारत सरकार के खेल मंत्रालय को रिक्वेस्ट करी और उन्होंने योगासन को एक स्पोर्ट्स की मान्यता दी। हम ऐसा चाहते हैं और इसके प्रयत्न करें कि आने वाले 20 साल में ओलंपिक्स के अंदर भी कम से कम 20-22 मेडल योगासन के हों अलग अलग कैटेगरी के, एंड देट विल हैपन क्योंकि इस तरीके का प्रयत्न हो रहा है। तो हमारा खुद का एक रिसर्च काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योग साइंसेज, और वो कोलेबोरेशन का भी काम करते, खुद भी योग के ऊपर रिसर्च करते हैं। एम्स के अंदर हमारे सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन रिसर्च करके यहाँ दिल्ली में है। नीमंस के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के ऊपर हमारा एक एडवांस सेंटर चल रहा है, नीमंस का इंटीग्रेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट भी है। तो मैंने कुछ उदाहरण दिया, ऐसा इट इज वर्ल्ड वाइड, बहुत सारे देशों में बहुत सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। योग की शक्ति को देखा जाए तो पूरी दुनिया पहचान रही है और बहुत कुछ आगे भी देखने को, नई नई पहल देखने को मिलेंगी। आकाशवाणी से बात करने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे आगामी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।